हरिओम। आत्मा को मरने वाला या मरा समझने वाला यह नहीं जानता कि किसी भी काल में आत्मा ना ही मरता है ना ही मारा जा सकता है। आत्मा अजन्म, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के साथ इसका नाश नहीं होता। आत्मा को अविनाशी, नित्य और अव्यय रूपी जानने वाला उसे मार नहीं सकता। मनुष्य जैसे पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा धारण करता है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, न अग्नि इसे जला सकती है, न जल इसे गीला कर सकता है और न ही वायु इसे सुखा सकती है। वह नित्य, सर्वगत, स्थिर और सनातन है और यह जानकर शोक करना उचित नहीं है। यदि आत्मा को नित्य जन्मने और नित्य मरने वाला भी मानो तो भी जन्म लेने वाले की मृत्यु तथा मरने वाले का जन्म निश्चित है। इसलिए हमें अटल और अपरिहार्य विषय का शोक नहीं करना चाहिए। समस्त प्राणी जन्म के पूर्व और मृत्यु के बाद अव्यक्त अवस्था में रहते हैं और बीच में व्यक्त होते हैं। आत्मा सबके शरीर में अवध्य है और इसलिए शोक करना उचित नहीं है। धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य नहीं है। इस धर्म युद्ध को अस्वीकार करके तुम स्वधर्म और कीर्ति खोकर पाप को प्राप्त करोगे। ऐसा करने से लोग तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे, जो एक सम्मानित पुरुष के लिए मरण से अधिक होती है। महारथि तुम्हें भगौड़ा मानेंगे, शत्रु तुम्हारे सामर्थ्य की निंदा करेंगे और इस दुख से बढ़कर तुम्हारे लिए कुछ नहीं होगा। हरिओम।